सोना में भी बेटा स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं। आप या तो कॉल करके बोल दो एक बार। ओके कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वेट मैं बोलती हूँ सबको। नमस्ते मैडम। सर नमस्ते सर, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, ज्वाइन नहीं हुए हैं, सॉरी सेकंड ईयर के। आप उनको मैसेज कर दोगे इंग्लिश मीडियम सेकंड ईयर को? चलो मैसेज। हाँ सर, एक दो भी हो जाएंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी बस। ओके सर। सर ना मैंने बोल दिया है, अभी देखते हैं एक दो भी ज्वाइन हो जाएंगे ना तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास, नहीं तो फिर मैं लीव कर दूंगी क्लास। ओके परसों से बेटा, दिवाली के ऑफ परसों से है। मैं नहीं करूंगी, सर ने कहा है ये सर करेंगे। ठीक है जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। जरा हम 5 मिनट और देखते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ही पढ़ा दूंगी ठीक है, क्योंकि मुझे बस क्लास लेने से मतलब है। स्टूडेंट्स आए नहीं आए वो उनकी चॉइस है। ओके
चलो 5 मिनट देख लेते हैं, सर ने अभी मैसेज किया है, हो सकता है एक दो लोग आ जाए, नहीं तो फिर हम लोग लीव करते हैं क्लास को। बच्चे दिवाली की छुट्टी पे ऐसे ही हो जाता है। आपका कोई ऐसा टॉपिक है सोनम जो आपको नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं वो आपको समझा दूंगी आज जितने भी टॉपिक अब तक कराए हैं। हाँ ऑडियो ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं है। सोनम आप ऑडियो ऑन कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। अच्छा ये बताओ सुनो, संगीता मैम की क्लास हो गई ना आपकी, आई थिंक तो नहीं संगीता मैम की, नेहा कक्कर मैम, वो कक्कर मैम जो है, जो भी मिस कक्कर मैम जो है, उनकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? उनकी में कितने स्टूडेंट्स थे? 2 थे। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं भी क्लास ले लेती हूँ, आप ज्यादा नहीं 15-20 मिनट पढ़ लो, मेरा ये हो जाएगा कि मैंने क्लास ली थी, बच्चे नहीं आए वो उनकी प्रॉब्लम है। ओके तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका कोई टॉपिक ऐसा जो नहीं आता हो या फिर जिसमें प्रॉब्लम आई हो आपको, है ना, तो वो आप मुझसे पूछ सकती हो, क्योंकि हमें कॉलेज में यही बोला जाता है बच्चे कितने भी आए आपको क्लास लेनी है। ओके तो नहीं इस चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में, फर्स्ट में या सेकेंड में, जिसमें भी है आपको कोई प्रॉब्लम। ये चैप्टर तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, तो मैं ऐसा करती हूँ आज आपको ना क्वेश्चन करा देती हूँ, प्लैंक विकिरण फॉर्मूला, आई मीन प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला करा देती हूँ, है ना, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप क्लास लीव कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। चलिए ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है आपका प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखिए इस फॉर्मूले में, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले में होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका एक कर्व था किसके बीच में, एनर्जी और लैम्डा के बीच में। इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन करने में पहले यहाँ वीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने शॉर्ट वेवलेंथ रीजन वाले रीजन को समझाया था, और जो आपके ये वाले जो साइंटिस्ट थे रैले जीन्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले रीजन को, जो इधर वाला रीजन है उसको समझाया था, लेकिन जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पूरे रीजन को समझाया था। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो कि इस पूरे रीजन को, पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर सके, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले में क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा कि प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम पूरे कर्व को, आपके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन कर सकें, ऐसे फॉर्मूले को हम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो आपका कर्व है इसमें ये लैम्डा रेंज है, और यहां से बेटा आपकी जो ये रेंज है कि लैम्डा प्लस डी लैम्डा मान लो, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, डी लैम्डा। अब इसमें जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, क्योंकि एनर्जी क्या होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड होके वो ऑसिलेशन यानी कि वाइब्रेशन करने लगते हैं, तो उस टाइम लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा इस रेंज में जो आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे वो कितने होंगे, देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन द रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा
है ना, इस रेंज में, इस रेंज में आपके जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं वो कितने होंगी टोटल, एन लैम्डा होंगी, और किस रेंज के अंदर है, डी लैम्डा, तो एन लैम्डा डी लैम्डा, इतना आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक प्लैंक क्या कहता है कि आपकी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो होती है वो कितनी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितनी होती है, देखिए एवरेज ई इक्वल्स टू एच न्यू, ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये होती है आपकी जो ऑसिलेशन हो रहा है इस रेंज के, सॉरी जो टोटल एनर्जी है, पूरी एनर्जी वो होती है आपकी अकॉर्डिंग टू प्लैंक कितनी होती है, एच न्यू अपॉन ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। ठीक है, तो डेट मीन अब आपको जो रेंज है, ये वाली रेंज, इस रेंज में आपको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो देखिए इस रेंज में टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस रेंज में, सो टोटल एनर्जी इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, एन लैम्डा डी लैम्डा ये है, और जो एनर्जी है वो कितनी है, इतनी एच न्यू अपॉन ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, ये है आपकी क्या एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी किस रेंज में, लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा में, और इसको हम टोटल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि एनर्जी को यू से भी तो डिनोट करते हैं, तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज द एनर्जी किसकी है, यहां से लेके यहां तक के नंबर ऑफ ऑसिलेशन में। अब देखिए इतनी एनर्जी आपकी आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटा जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट जो साइंटिस्ट ने बताई थी प्लैंक ने, वो आपकी ये बताई थी 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा, यानी कि एन लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4, फिर क्या आएगा देखिए डॉट एच न्यू एज इट इज ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां से न्यू इक्वल्स टू कितना होता है C upon lambda, यही तो होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आता है आपका न्यू, तो न्यू की वैल्यू, अब देखो यहाँ न्यू है यहाँ भी न्यू है, तो इस न्यू को पुट कर सकते हैं हम, तो देखिए यू लैम्डा डी लैम्डा, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि हमें पूरा फंक्शन लैम्डा की फॉर्म में चाहिए, देखो यहाँ लैम्डा यहाँ लैम्डा है, बट यहाँ न्यू है, तो न्यू को किस में चेंज कर देंगे, सी अपॉन लैम्डा में। देखिए 8 पाई अपॉन लैम्डा, फिर देखिए न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रखोगे तो लैम्डा की पावर 5, एच एज इट इज सी, ओके 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 अपॉन e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम बोलते हैं प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इस पूरे कर्व को, ये वाला जो कर्व था ना, इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस पूरे कर्व को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, नाउ लिसन, अब देखिए अब एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले तो मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन दिखाए थे कि राइट द प्लैंक फॉर्मूला, तो प्लैंक फॉर्मूला तो इस तरीके से आ गया, ड्राइव द प्लैंक फॉर्मूला, प्लैंक फॉर्मूला तो इस तरीके से आ गया। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था कि प्रूव दैट दिस फॉर्मूला फॉलो द कंडीशन ऑफ रेले जीन्स एंड वीन्स, यानी कि वीन्स और रेले जीन्स का जो लॉ था, वीन्स ने क्या किया था, शॉर्ट वेवलेंथ वाले रीजन को, और उसने रेले जीन्स ने लॉन्ग वेवलेंथ वाले रीजन को, उन दोनों ही रीजन को ये फॉर्मूला क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अब हम वो चीज प्रूव करेंगे कि वो कैसे प्रूव करता है। तो देखिए रेले ने इस फॉर्मूले से जो अपना फॉर्मूला निकाला और वीन्स ने जो अपना फॉर्मूला निकाला वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए देखिए
सबसे पहले हम निकालेंगे वीन का, कौन से का, वीन का। तो देखिए फर्स्ट रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ, रेडिएशन फॉर्मूला ऑफ फॉर वीन्स, पहले वीन्स का। तो वीन्स का आपको पता है, वीन्स ने कौन सा वाला रीजन चूज किया था, ये वाला शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है, ये वाला रीजन ये वीन्स ने सिलेक्ट किया, ये एनर्जी थी और ये लैम्डा था। तो वीन्स ने अपने इस वाले रीजन को एक्सप्लेन किया था। तो इस वाले रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया कि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यू लैम्डा डी लैम्डा क्या होता है, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 वन ओवर ई की पावर में एच एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ये होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने अकॉर्डिंग टू वीन्स वीन्स ने क्या कहा कि एच सी अपॉन लैम्डा के टी ये जो वैल्यू है ये इज ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बेटा बहुत छोटी है, लैम्डा शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ है ना, यानी कि यहां से पहले वाला रीजन। तो लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, इस पूरे की वैल्यू फन से उतनी ही ज्यादा आएगी, डेट मीन एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो देखिए जब ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू भी, ये तो ई की पावर में चली गई तो ये और भी बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। डेट मीन हम क्या कर सकते हैं फिर, देखिए हम क्या कर सकते हैं फिर, हम ये कह सकते हैं कि इस वन को इस वैल्यू के कंपेयर में नेग्लिजिबल मान लो, ये जो वन है इसको इस वैल्यू के कंपेयर में नेग्लिजिबल मान लो। सो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 वन अपॉन ई की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा की टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए H कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट एंड K भी कांस्टेंट, तो इसको तो स्मॉल a मान लिया, H, C और K को तो स्मॉल a मान लिया, ठीक है। और आपके आपके और क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है 8 पाई एच सी, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इसको कैपिटल a मान लिया, ठीक है। सो अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी की जगह तो ए कैपिटल ए अपॉन लैम्डा की पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ से 1 अपॉन e की पावर में एच सी अपॉन लैम्डा की टी, ठीक है, सॉरी एच सी अपॉन के की जगह ए अपॉन लैम्डा टी, ठीक है। तो यहां से u लैम्डा d लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a लैम्डा की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस 5 और ये भी ऊपर जाएगा तो e की पावर में माइनस a अपॉन लैम्डा, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा। एक चीज और, ये सब जगह है ना d लैम्डा और था साथ में, क्योंकि यहाँ पे भी तो d लैम्डा है, ये लैम्डा d लैम्डा, तो ये आ गया आपका क्या शॉर्ट वेवलेंथ रीजन के लिए वीन्स का फॉर्मूला फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से, ठीक है। तो प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले से जो वीन्स ने अपना फॉर्मूला निकाला किसके लिए, शॉर्ट वेवलेंथ रीजन के लिए, वो ये था, ठीक है। आगे देखिए अब आता है आपका लॉन्ग वेवलेंथ रीजन, ठीक है। तो लॉन्ग वेवलेंथ रीजन में क्या होगा, वो किसने निकाला था, रैले जीन्स ने, ठीक है। तो देखिए रैले जीन्स ने, ये तो आ गया किसका रेडिएशन फॉर्मूला फॉर वीन्स, अब हम निकालेंगे रेडिएशन फॉर्मूला फॉर रैले जीन्स। रेडिएशन फॉर्मूला फॉर रैले जीन्स, देखिए क्या होता है रेडिएशन फॉर्मूला फॉर रेले जीन्स, मैं बताती हूँ आपको। वही सेम कि पहले तो क्या था,
इस वाले रीजन के लिए था, अब इस वाले रीजन के लिए। तो ये किसने दिया है आपकी? रैली ने। किसने दिया है? रैली ने। ओके, ये रीजन के बारे में किसने बताया था? रैली ने। तो जब रैली ने इसके बारे में बताया था तो रैली ने क्या कहा, देखिए रैली के अकॉर्डिंग, तो वही फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। प्लैंक का रेडिएशन फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। कितना होता है? U लैम्बडा d लैम्बडा बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लैम्बडा की पावर 5 1 ओवर e की पावर में एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1 टी लैम्बडा। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए जब ये फॉर्मूला होता है, अब हमारा क्या है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई है। तो वेवलेंथ जब बहुत ज्यादा हाई है तो ये वाली वैल्यू देखिए, एस सी अपॉन लैम्बडा के टी इज लेस देन लेस देन लेस देन 1। क्यों? लैम्बडा इज हाई, तो जब ये नीचे वाली पावर हाई होगी तो ये पूरी वैल्यू लो होगी, यानी कि 1 की कंपेयर में बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। तो जब ये 1 की कंपेयर में कम होगी तो देखिए यू लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर, एक सेकेंड, इससे पहले एक चीज हो रहेगी बेटा, देखिए आपको पता है e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो एंड, ये तो होता है e की पावर x का फॉर्मूला। तो यहां से देखिए e की पावर sc अपॉन लैम्बडा kt का, e की पावर sc अपॉन लैम्बडा kt, तो ये हो जाएगा 1 प्लस hc अपॉन लैम्बडा kt, ठीक है, प्लस hc अपॉन लैम्बडा kt का होल स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो एंड फॉर। क्यों? ये वाली वैल्यू जो है वो 1 की कंपेयर में बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, तो उसका स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। दैट मीन जो हायर पावर टर्म्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हेयर हेयर हायर पावर टर्म्स, हेयर हायर पावर टर्म्स कैन बी नेग्लिजिबल, क्या हो सकती है, नेग्लिजिबल हो सकती है। सो देखिए तो यहां से अब क्या आ जाएगा, देखिए e की पावर एस सी अपॉन लैमड़ा के टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच सी अपॉन लैमड़ा के टी, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल हो गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो देखो जब पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए u लैमड़ा d लैमड़ा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैमड़ा की पावर 5 डॉट 1 अपॉन, ये देखिए 1 प्लस एच सी अपॉन लैमड़ा के टी माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। तो देखिए u लैमड़ा d लैमड़ा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैमड़ा की पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो लैमड़ा के टी अपॉन एच सी, एच सी से एच सी कैंसिल, एक लैमड़ा से लैमड़ा कैंसिल। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या आ गया, किसके लिए, रैली जीन्स के लिए, यू लैमड़ा डी लैमड़ा बराबर ये आ गया आपका 8 पाई अपॉन लैमड़ा की पावर 4, ये हो जाएगा के टी, तो 8 बेटा डी लैमड़ा, फिर मैं भूल गई, 8 पाई लैमड़ा की पावर माइनस 4 के टी डी लैमड़ा, ये आ गया आपका यू लैमड़ा डी लैमड़ा, ठीक है, ठीक है, आ गया आपका 8 पाई लैमड़ा की पावर माइनस 4 के टी टी लैमड़ा, ठीक है। ये हो गया रैली जीन्स का आपका रेडिएशन फॉर्मूला, जो कि हायर हायर, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ओके आज के लिए इतना काफी है, बट एक मिनट रुक जाओ, मुझे 40 मिनट कंप्लीट करने पड़ेंगे, है ना, उसके लिए चाहे हम दोनों बातें कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके रेडिएशन कर्व जो है उसके कौन से वाले पार्ट को, हायर हायर वेवलेंथ वाला जो पार्ट है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है, हायर वेवलेंथ जो रीजन है ये वाला, इसको क्या करता है, ये वाला फॉर्मूला डिफाइन करता है, ठीक है, किसके लिए, हायर के लिए, ओके। तो आपका वीन फॉर्मूला हो गया, रैली जीन्स हो गया और प्लैंक फॉर्मूला हो गया, ये तीन चीज हो गई, ठीक है। कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ओके। तो एक चीज और मुझे आपसे ये कहना है, मुझे देखो आपके जो पढ़ने वाले हैं ना उसमें क्लास में केवल 2-3 ही लगते हैं, क्योंकि हैंग क्लास में 2-3,
है ना, एक तो राज, एक आई थिंक निशांत आपकी क्लास में, और एक आपो, है ना। इशिका ने क्लासेस क्यों बंद कर दी, कैन यू प्लीज टेल मी, उसे समझ नहीं आता या उसने सारी ही क्लासेस बंद कर दी है? मैंने कहा उसे समझ नहीं आता या उसने सारी क्लासेस ही बंद कर दी है? मैम मालूम नहीं, सही बात है यार, आप लोगों को क्या पता होगा किसी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा अब वो एक भी क्लास नहीं लेती, चलो कोई नहीं, वो कोई बात नहीं है। बट हाँ सोनम, अब इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप, इसमें या इससे पहले वाले किसी भी टॉपिक्स में। बताओ, डू यू हैव एनी डाउट? ओके, नहीं है तो फिर आज की क्लास फिर हम लोग यहीं डीप करते हैं, ठीक है? चलिए कोई फोर्स नहीं, आप अकेले इतना पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है आपने। ओके बाय।